हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड गुड मॉर्निंग पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग किड्स. बच्चों, ये क्लास सेकेंड का आपका वर्कबुक है, नवनीत हॉलीडे बुक, जिसको आपको पूरा करना है इस दिवाली की छुट्टी पर. सो बिना वक्त को देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट पेज पे क्या करना है उसको देख लेते हैं फटाफट. ओके, ये है आपका फर्स्ट पेज. राइमिंग वर्ड्स. कैट रैम्स. कलर द वर्ड्स दैट रैम विथ कैट ऑरेंज कलर ऑल अदर वर्ड्स ब्लू. तो आपको जितने भी आपको कैट से मैचिंग करते हुए राइमिंग वर्ड्स हैं, उसको आपको ऑरेंज कलर से कलर करना है. बाकी को सब कैसे करना है? ब्लू कलर से. जैसे फॉर एग्जाम्पल, सी ए टी कैट, तो कैट से मैच करता हुआ राइमिंग वर्ड साउंड्स कौन सा है? मैट, सैट, हैट, कैट, फैट, सैट, रैट, बैट. इन सभी को बच्चों आपको करना है ऑरेंज कलर से. बाकी जो इसे नहीं मैच कर रहे हैं उसको आपको ब्लू कलर से करना है. अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट सेकेंड पेज आपका ये है. ये आपको लिखना है, मेक 3, 4 और 5 लेटर्स वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो. यहाँ पर लिखा गया है कि आपको 3, 4 या 5 लेटर के शब्द बनाने हैं जो नीचे दिया गया है. ये लिखा गया पब्लिकेशंस. तो पब्लिकेशंस की हेल्प से आपको 10, 20 वर्ड्स अपनी तरफ से बनाने हैं. जैसे आप बहुत सारे बना सकते हैं, LION, लॉयन, ओके, CAT, कैट, BALL, बॉल. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आप बना सकते हो. अंडरस्टैंड? तो वर्ड को आपको नए नए स्पेलिंग्स बनाने हैं. थर्ड पेज पर आ जाते हैं. वर्ड बिल्डिंग सेम टू सेम वही काम करना है. इसमें भी आपको वर्ड्स बनाने हैं. एंड फोर्थ पेज पे आपको लिया है रिलेशनशिप वर्ड्स. इससे भी आपको 3, 4, 5 लेटर्स के 20 वर्ड्स बनाने हैं. नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं पैराग्राफ राइटिंग. क्लीन लाइंस. रीड लाउडली एंड राइट नीटली. आपको क्लियर पढ़ना है और साफ साफ अक्षर में लिखना है, क्लियर वर्ड में. जैसे यहाँ पर लिखा गया, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ डेली. सो आगे का क्या है करना है बच्चों? आपको देखिए इसमें लिखा है रीड लाउडली एंड राइट नीटली. आपको क्लियर रीड करना है, जोर जोर से पढ़ना है और उसको आपको लिखना है. जैसे पहला है, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ डेली. हमें डेली अपने ब्रश को शार्प करना है. वी मस्ट हैव अ बाथ एवरी डे. हमें डेली नहाना है, अवश्य नहाना चाहिए. वी मस्ट कॉम आवर हेयर नीटली. हमें डेली अपने बालों को कंघी करना चाहिए. अंडरस्टैंड? और इसको आपको यहाँ पे क्लियर लिखना है. उसके बाद गुड हैबिट्स में क्या है आपको देखिए, वी मस्ट वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग. हमको अर्ली मॉर्निंग में उठना है. वी मस्ट प्रे टू गॉड. हमें डेली प्रार्थना प्रेयर करना है ईश्वर अल्लाह गॉड से. वी मस्ट पुट ऑन द क्लीन क्लॉथेस. हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए अवश्य. और इसको सब लिखना भी नीचे. सेम पैराग्राफ राइटिंग द पोस्टमैन. ये पोस्टमैन का जो हैंड राइटिंग है आपको यहाँ पर भी सब कॉपी करना है, लिखना है साफ साफ क्लियर पढ़ करके. एंड सेम एलिफेंट के ऊपर भी पैराग्राफ है, इसको भी आपको लिखना है बच्चों. इधर क्लियर पढ़ना है और साफ साफ लिखना है. अंडरस्टैंड? ये देखिए मज़ेदार आप लोग के लिए आ गया ड्राइंग. ज्वाइन द डॉट्स. तो इन डॉट्स को ज्वाइन द डॉट्स सीरियली फ्रॉम 1 to 40 एंड देन कलर द पिक्चर. तो 1 कहाँ है, ढूंढिए 1 कहाँ है. 1, 1, 1, 2, 1. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इस डॉट्स को आपको मिलाते चले जाना है. मिलाते जाएंगे बच्चों, आपको बनेगा एक चित्र, एक डायग्राम बनेगा, एक पिक्चर बनेगा. उस पिक्चर को आपको कलर करना है. अंडरस्टैंड? तो इसको कलर करने के बाद नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं. यहाँ पर सबसे मज़ेदार चीज़ है कि आपको इस पे 10 स्पॉट पॉइंट करने हैं, जो कि इस दोनों फिगर में डिफरेंस है. तो इस फिगर में आपको अंतर ढूंढना है कि इसमें क्या फ़र्क है. अंडरस्टैंड? चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ थोड़ा बहुत. देखिए यहाँ पर 3 बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, क्या यहाँ पर भी हैं? यस. इसके बगल में देखिए कितने पेड़ हैं, ये भी सही है. एक बादल यहाँ पे गायब है, यहाँ पे 2 बादल होने चाहिए. यहाँ पर एक ही है, एक बादल है, एक यहाँ पर गायब है. आगे यहाँ पे 3 बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, नीचे 1 बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं. तो ऐसे आपको ढूंढना है. यहाँ पर एक पेड़ गायब है इस गाड़ी के पास, इधर पर है, यहाँ पे नहीं है. अंडरस्टैंड? तो ऐसे आपको सारे 10 पॉइंट ढूंढने हैं और उसको क्या करना है, स्पॉट करना है, सर्कल करना है.
इसको आपको लिखना है बच्चों, चूज द कलर ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, सॉल्व द पजल। तो आपको पत्ती कैसी होती है, ग्रीन होती है, थर्ड नंबर पे है। थर्ड नंबर कहाँ पर है, तो यहाँ पे लिखें ZREEN, ग्रीन, अंडरस्टैंड। फोर नंबर पे क्या है, सन है। फोर नंबर कहाँ है, यहाँ पर है। ओके, सो फोर, सन कैसा होता है, रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे येलो, YELLO, येलो। फाइव नंबर पे क्या है, फाइव नंबर पे आप देखिए ये क्या है बच्चों, ये एक वेजिटेबल्स है। किस कलर का होता है वेजिटेबल, ये ऑरेंज कलर का होता है, ORANGE, ऑरेंज, कद्दू है तो ऑरेंज कलर का होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर ऑरेंज कलर से हम इसको कलर कर देंगे, एंड ऐसी सारा चीज़ आपको भर के नंबर्स को लिखना है। नेक्स्ट पेज पर आपको देखना है, हेल्प टेक द वर्ड पाथ SH, आपको हर वर्ड के आगे SH वर्ड एड करना है, जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे CRA, इसके आगे SH लिखेंगे, क्रैश, डैश, ब्लैश, CHESH, चैश, FISH, फिश, WISH, विश, DESH, डिश। सभी वर्ड्स को ऐड करने के बाद आपको रियल वर्ड्स को कनेक्ट करके एक पाथ बनाना है जो यहाँ पर पहुँचाना है, अंडरस्टैंड। मतलब ऐसा वर्ड जिसका कोई मीनिंग निकले। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वर्ड पाथ CH। अब इसमें सेम टू सेम CH वर्ड्स ऐड करना है और इन बच्चों को स्कूल तक पहुँचाना है, यहाँ पर जहाँ पर ये शॉपिंग कर रहे हैं। हेल्प द चिल्ड्रन फाइंड देयर वे टू क्लास, क्लासरूम पे जाने तक राइट CH इन फ्रंट ऑफ लेटर्स इन ईच बॉक्स, कलर द बॉक्सेस दैट हैव रियल वर्ड्स टू मेक अ पाथ टू द क्लासरूम, अंडरस्टैंड। सो आपको यहाँ पर हर वर्ड के आगे CH जोड़ना है और जोड़ जोड़ करके सभी के आगे आपको देखना है कि कौन से रियल वर्ड्स हैं जिनका कोई मीनिंग निकलता है, और उनको लाइन करके, डॉटेड करके यहाँ तक पहुँचाना है। कलर द शेप्स, इन शेप्स को कलर करना है, रेक्टेंगल को ढूंढना है, जहाँ जहाँ रेक्टेंगल रहेगा ग्रीन, ट्रायंगल को ऑरेंज, सर्कल को येल्लो, एंड इनको ब्राउन कलर से, सॉरी ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल को ब्राउन से, स्टार को ब्लू से, एंड हार्ट को रेड कलर से इसमें ढूंढ ढूंढ के करना है। समझ में आया बच्चों? ओके, क्रैक द कोड, इसमें आपको सिंपल जो मैच कर रहा है उसके आगे आपको लिखना है। जैसे ये आई है, आई के आगे क्या है, क्रॉस, आई, आई के आगे क्या है, क्रॉस। तो ऐसे ये क्या है, एक ब्लॉक होल जैसा स्पॉट है, तो इसके आगे क्या है, टी, यहाँ पे टी लगाएंगे। ऐसे सारा वर्ड हमको ढूंढ ढूंढ के लिखना है। इसमें क्या करना है, वर्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसमें आपको पूरे टेबल डायग्राम के अंदर 10 पार्ट्स ऑफ बॉडी ढूंढना है और उसको यहाँ पर राइट डाउन करना है, अंडरस्टैंड। सेम टू सेम नेक्स्ट पेज पर भी यही कहानी है, आपको 10 वर्ड्स इसमें से ढूंढना है और यहाँ पर 10 वर्ड्स का नाम लिखना है और उस वर्ड्स को ढूंढने के बाद सर्कल बना देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जू एनिमल्स एंड बर्ड्स, जू के अंदर जो जानवर और बर्ड्स होते हैं उसको यहाँ पर ढूंढना है, सर्कल करना है और उनका नाम इधर पे लिखना है। ओके, अंडरस्टैंड। मैथ रिविजन, तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म वेरी सिंपल, 143, हमने क्या पढ़ा, 100, सो 100 लिखेंगे, 43 तो 40 लिखेंगे, एंड 3 को 3 लिखते हैं, तो हम इसको प्लस के फॉर्म में लिखेंगे, 143, 100, 100 प्लस 40 प्लस 3, सिंपल, ऐसे हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। राइट द नंबर्स नेम, इन नंबर्स का नाम लिखना है, इसमें ग्रेटर, लेस और इक्वल सिंबल लगाना है। 22, तो क्या 11 प्लस 11 ऐड करके 22 होगा, यस होगा, तो सो यहाँ पर हम इक्वल है तो इक्वल का साइन लगाएंगे, अंडरस्टैंड। आपको इसको ऐड करके देखना और सिंबल आपको लगाना है, जो बड़ा रहेगा उसकी तरफ ये सिंबल, जो छोटा रहेगा उसकी तरफ ये सिंबल, और जो इक्वल रहेगा उसकी तरफ ये इक्वल सिंबल, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्या लिखा गया देखिए, फन विद नंबर, सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर एंड क्रॉस द लीस्ट नंबर, बड़े नंबर पे सर्कल, छोटे नंबर पे क्रॉस लगाना है। तो बड़ा नंबर कहाँ पर है, 172 है, तो इस पर हम सर्कल करेंगे, छोटा नंबर 160, इस पर क्रॉस करेंगे, अंडरस्टैंड।
ऐसे ही आपको यहाँ पर भी करना है, ग्रेटेस्ट लेस और इक्वल, जो बड़ा रहेगा बड़ा एक सिंबल, जो छोटा रहेगा उसी तरह छोटा सिंबल, जो इक्वल रहेगा इक्वल का सिंबल हम लगाएंगे। यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है। राहुल कौन से नंबर पे है? ये 10 बॉयज़ हैं, इनका नाम सीरियल्स लिखा है 10 बच्चों का, 10 बच्चों को सीरियल से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन। राहुल इज फर्स्ट पुज फर्स्ट इन द क्यू, जो राहुल है वो कतार में सबसे पहले नंबर पे, तो यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे। इज स्टैंडिंग आफ्टर फोर्थ, फोर्थ के बाद कौन खड़ा है? फोर्थ के बाद ध्रुव खड़ा है, पांचवें नंबर पे ध्रुव है, सो लिखेंगे ध्रुव इज स्टैंडिंग आफ्टर फोर्थ। ये आपने डायग्राम देख करके आपको यहाँ पर लिखना है, अंडरस्टैंड। यहाँ पर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स ये करना है। आई हैड 8 रुपीज़, मेरे पास 8 रुपीज़ थे। फादर गेव मी 7 रुपीज़, पापा ने आपको 7 रुपये दिए। हाउ मेनी रुपीज़ डू आई हैव नाउ, तो आपका टोटल कितने रुपए हैं, आपको ऐड करके यहाँ पे लिखना है, अंडरस्टैंड। और सिंपल आपको यहाँ पर मैज को सॉल्व करना है। आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से जाएंगे और आंसर को एंड करेंगे। आपको एडिशन करना है, 4 9 प्लस 6, सब एड करते जाना है और यहाँ पर बच्चों अपना आंसर लिखना है। सेम ऐसे ये है, और यहाँ पर आपको सब्सट्रैक्शन करना है, और इसमें दोनों करना है, सब्सट्रैक्शन भी है और एडिशन भी है, दोनों है, बोथ है। तो आपको यहाँ पर लास्ट अपना आंसर लिखना है। एंड ये क्वेश्चन मैंने क्लास फर्स्ट में बताया था कल की वीडियो में, आपने देखा होगा। सो ये आपको डायग्राम है, आपको पहचानना है कि ये जो फिगर है इसके लिए 3 है, तो ये 3 ऐसे फिगर में आता है, दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे 3 है 5 है, कितना आएगा सर, 8। अच्छा ऐसे वाली फिगर में कौन आता है? ऐसे वाली फिगर में 6 आता है, तो यहाँ पे 6, और ऐसे वाली फिगर में 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और ऐड कर देंगे। ऐसे पहचान पहचान कर आपको सब राइट डाउन करना है, अंडरस्टैंड। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्रामर यूज़ करना है, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। जो सिंगुलर नाउन्स हैं उसको हम सिंगुलर लिखेंगे, और जो प्लूरल है तो जैसे स्टार, तो वन स्टार के लिए स्टार बोलते हैं, बट वन से ज़्यादा स्टार हो जाएंगे तो इसमें आपको प्लूरल बनाने के लिए एस ई एस ऐड करना होगा, तो आप स्टार के आगे एस लगा देंगे, STARS, अंडरस्टैंड। सो ऐसे ही ब्रूम, तो ब्रूम्स हो जाएगा, बनाना बनानाज हो जाएगा, कैरेट कैरेट्स हो जाएगा, अम्ब्रेला अम्ब्रेलास हो जाएगा, नर्स नर्सेस, हर्ट हर्ट्स, अंडरस्टैंड। टेलीफोन टेलीफोन आपको जोड़ना है, और ग्रामर एक्शन वर्ड आपको पढ़ाया गया है क्लास में, एक्शन वर्ड के बारे में आपको लिखना है। ये लड़का क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है, शाउटिंग कर रहा है, सो शाउटिंग आपको ढूंढना है, SHOUT, शाउट। क्या कर रही हैं? चाय बना रही हैं। तो ये आपको सारे वर्ड्स 10 हेल्पिंग वर्ड जो एक्शन वर्ड है इसमें से ढूंढ ढूंढ करके लिखना है, ओके, सर्कल बनाना है। नेक्स्ट पेज पे क्या बच्चों? नेक्स्ट पेज पे है ग्रामर डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव्स, अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मतलब क्या है कि आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो आपकी डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो सेंटेंस को क्लियर करते हैं, सेंटेंस क्या कहना चाहते हैं, उस वर्ड्स की डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव, उसकी विशेषता क्या होती है आपको बताना। द पुअर वुमेन हैज़ मैनी चिल्ड्रन, जो औरत है उसके पास बहुत सारे बच्चे हैं, तो कैसी औरत है? पुअर वुमेन हैज़ मैनी चिल्ड्रन, उसके पास बहुत सारे बच्चे हैं। जैकेट अ होल लोफ, देर आर मैनी ग्रीन्स बनानास इन अ प्लेट, बनाना है बट कितने बनाना है, कितने ग्रीन बनाना है, सही हरे बनाने हैं प्लेट के अंदर, तो ग्रीन को क्या करना है आपको अंडरलाइन करना है। ये सारे के सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, ओके, और ऐसे ही नीचे आपको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पंचुएशन, आपको यहाँ पर बच्चों फुल स्टॉप कामा एंड क्वेश्चन मार्क एंड कैपिटल लेटर्स लिखना है। डू यू नो फर्स्ट लेटर जो होता है वो ऑलवेज कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे द मानसून है, तो द जो रहेगा THE, द कैपिटल लेटर में द लिखेंगे, अंडरस्टैंड। द मानसून इन इंडिया, यहाँ पर कामा लिखेंगे, इज़ फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर, फुल स्टॉप लिखेंगे, अंडरस्टैंड। ऐसे ही आपको यहाँ पे सारा चीज़ आपको यूज़ करना है। वेन आपको ये तीनों जो आपका पंचुएशन है आपको यहाँ पे लगाना है, सभी में आपको पहली बात रॉन्ग लिखा गया, स्मॉल लेटर में ना होकर के सबको कैपिटल लेटर करना है, कैपिटल लेटर करने के बाद आपको कामा इनवर्टेड कामा लगाना है। कंपोजिशन स्टोरी राइटिंग, तो यहाँ पर आपको ये 10 वर्ड्स हैं, इन कंपोजिशन इस वर्ड को यूज़ करके इस पूरे स्टोरी को कंप्लीट करना है, ओके बच्चों, प्यारे बच्चों आपको समझ में आया, तो ये आपको सेंटेंस को एक स्टोरी बनानी है।
तो ये आप पेरेंट्स मदद करेंगे अपने बच्चों का। और यहाँ पर रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन, आपको ये सारा का सारा आपको यहाँ पर ये पैसेज पढ़ना है और यहाँ पर आंसर लिखना है। सेम यहाँ पर भी पैसेज पढ़ना है और इसका आंसर आपको लिखना है ढूंढ ढूंढ करके कंपेरिजन। ओके, पैसेज से ही पढ़ करके आपको लिखना है क्या क्या इसमें राइटिंग होगा, क्या क्या लिख सकते हैं आप। और इस पिक्चर को देखकर आपको समझ में आ रहा है कि क्या है, क्रिसमस डे है, तो क्रिसमस डे इस पिक्चर को देखकर आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिखने हैं इंग्लिश में। इस पिक्चर को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, इस पिक्चर को देख रहा है कि टीचर्स डे है और बच्चे टीचर को अपने गिफ्ट कर रहे हैं। सो आप यहाँ पर अपने टीचर्स के बारे में कुछ लिख सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्या है, और यहाँ पर आपको कौन बनेगा स्कॉलर, कौन बुद्धिमान बच्चा बनेगा, ये आपको लिखना है यहाँ पर। विच स्पोर्ट इन सचिन तेंदुलकर फेमस फॉर, तो सचिन तेंदुलकर के लिए कौन सा स्पोर्ट है, क्रिकेट है। ओके, ऐसे यहाँ पर भी करना है और ये आपका फिनिश हुआ। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, अपना होमवर्क पूरा कर लीजिए अच्छे से। थैंक यू सो मच।